खुश आमदीद आपके पसंदीदा एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, जहां हम आपकी रोजाना की पेशगोइयां बताएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मदद बहुत अप्रिशिएट की जाएगी और उसे बहुत मोहब्बत से याद रखा जाएगा। आपके प्यार और ताउन का बहुत शुक्रिया। लियो वीकली हॉरोस्कोप 23 सितंबर का 29 सितंबर 2024। मुश्तरी के 10वें घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपकी सेहत बेहतरीन रहने के कवी इम्कानात हैं। आपको जिस्मानी और जहनी दोनों तरह की ताकत का एहसास होगा, जिसकी मदद से आप जिंदगी के हर मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकेंगे। सेहत की बेहतर हालत आपकी हिम्मत और खुद इतिमादी में भी इजाफा करेगी, जिससे आप मुश्किल फैसले भी आसानी से ले पाएंगे। ये वो फैसले हैं जिनमें आपको पहले काफी परेशानी का सामना था, मगर इस हफ्ते आपका जहनी सुकून और वाज़ेह सोच आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपने पहले से किसी माली मंसूबे में सरमायाकारी कर रखी थी तो इस हफ्ते वो आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है। इस सरमायाकारी से आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, इसलिए कोई भी माली फैसला लेते वक्त बहुत एहतियात से काम लें। बेहतर होगा कि आप मशवरा लेने से पहले खुद भी हर पहलू को अच्छी तरह से परखें ताकि किसी बड़ी परेशानी से बचा जा सके। इस हफ्ते आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से राबता करने और बातचीत करने का भी मौका मिलेगा, खास तौर पर उन लोगों से जिनसे आपकी मुलाकातें कभी कभार होती हैं। ये वक्त पुराने रिश्तों को दोबारा से परवान चढ़ाने के लिए बेहतरीन है और आपको इन रिश्तों को मजबूत करने में कामयाबी मिलेगी। पुरानी गलतफहमियों को दूर करके नए सिरे से एक मजबूत ताल्लुकात बनाना आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकता है। पेशावराना जिंदगी में आपके लिए ये वक्त साजगार है। आप अपने सेनरस और जोनेर्स के साथ अपने माजी के इख्तिलाफात को खत्म करके एक नया आगाज कर सकेंगे। आपके ताल्लुकात बेहतर होने से न सिर्फ आपकी मजमूई तस्वीर को फायदा पहुंचेगा बल्कि मुस्तकबिल में आपकी तनख्वाह में इजाफे के इम्कान भी बढ़ जाएंगे। इस दौरान अपने साथियों के साथ हम आहंगी पैदा करना और टीम वर्क को फरोग देना आपके करियर के लिए बेहद फायदामंद होगा। तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए यह हफ्ता कुछ खास तवज्जो का मुतकाजी होगा। आपको ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करने की जरूरत है जो आपका कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हों। हो सकता है कि आप किसी खास दोस्त या रिश्तेदार की वजह से अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो ना दे पाएं, जिसका पछतावा बाद में आपको हो सकता है। लिहाजा अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें और अपनी तवज्जो तालीम पर मरकूज रखें ताकि आप मुस्तकबिल में बेहतर नतायज हासिल कर सकें। इस हफ्ते आपके ताल्लुकात में भी कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं। मुमकिन है कि आपको अपने करीबी रिश्तेदार या दोस्तों की तरफ से कुछ परेशानियां महसूस हों, लेकिन आपको उनसे सब्र और समझदारी से निमटने की जरूरत होगी। ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि आप मुस्बत बातचीत करें और छोटी मोटी गलतियों को दरगजर करें। ये वक्त है कि आप अपने ताल्लुकात को नई तवानाई दें और मोहब्बत और इज्जत के साथ इन्हें मजबूत बनाएं। इख्तितामिया, मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी जिंदगी में बहुत से अहम पहलुओं पर रोशनी डालेगा। सेहत के लिहाज से ये बेहतरीन वक्त है जिसमें आपको अपनी जिंदगी में नज़म वाउ जब्त लाने और मुस्बत फैसले करने का मौका मिलेगा। माली मामलात में मुहतात रहने की जरूरत होगी, जबकि रिश्तेदारी और दोस्तों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने का वक्त है। पेशावराना तौर पर आपको अपने साथियों के साथ ताल्लुकात मजबूत करने का मौका मिलेगा, जो मुस्तकबिल में आपके करियर के लिए फायदामंद साबित होगा। तालीम हासिल करने वाले तलबा को खास तौर पर अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान देना होगा। इस हफ्ते की कामयाबियां आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं, बशर्तिका आप समझदारी और सब्र से काम लें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मदद बहुत अप्रिशिएट की जाएगी और उसे बहुत मोहब्बत से याद रखा जाएगा। आपके प्यार और ताउन का बहुत शुक्रिया।